जनता कह रही है जल्दी से कोई चुनाव करा दीजिए, पेट्रोल के भाव गिरेंगे जो 10 रुपए लीटर बढ़ गए हैं, थोड़ा सा तो आप घटाएंगे ही। अंजना जी, अब मैं तीनों बातों का उत्तर, सिर्फ एक एक लाइन में बोलूंगा, गौरव जी उत्तर देते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोलने वाले गौरव बल्लभ जी सिर्फ एक बात का जवाब देते हैं। नंबर वन, या तो आपको नमाज का अर्थ नहीं पता था, या पता होने के बाद भी आप उसके पक्ष में हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तो फिर नवरात्र की झूठा डोंग बंद कर दीजिए। नंबर दो, नवरात्र का व्रत रखते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, उसके बाद भी आपके घर के सामने कोई हलाल मीट की दुकान चल रही हो तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। ये नंबर तीन, जो आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, हंसने से नहीं होगा बेटा, हंसने से नहीं होगा मान्यवर, हमारी सरकारों ने 10 से 20 रुपया राज्य सरकारों ने घटाया, आप बताइए आपकी सरकारों ने कितने घटाए हैं, अच्छा बताइए आपकी सरकारों ने कितने पैसे घटाए। और तीसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, अब आप भी सुन लीजिए। अरे भाई, इसके बाद भैया तो ना कहना, आप मैंने तीन प्रश्न के उत्तर मुंह से निकल गया। सुधांशु जी, सुधांशु जी हमेशा बहुत मर्यादा से बात करते हैं, आपको बुरा लगा वो क्षमा चाहिए। अरे भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है सुधांशु जी, गौरव जी मैं क्षमा चाहता हूँ, गौरव जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मगर मैं मान्यवर आपसे कहना चाहता हूँ, आपने छोटा भाई कहा तो मैं ये भी बस कहना चाहता हूँ, बस ये मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अजान का अर्थ जानने के बाद भी आप उसके पक्ष में हैं, हाँ या नहीं, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। नंबर दो, नवरात्र में प्याज न लहसुन खा के भी घर के सामने हलाल मीट की दुकान होनी चाहिए, इस पे आपको कोई आपत्ति नहीं है। नंबर तीन, हमारी राज्य सरकारों ने 10 से 20 रुपए पेट्रोल पे घटाए हैं, आपकी राज्य सरकारों ने क्यों घटाए। नंबर चार, यूक्रेन युद्ध के एक महीना होने के बाद पूरी दुनिया में पेट्रोल के बढ़े, सिर्फ भारत में नहीं, जर्मनी, बेल्जियम, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, सब जगह बढ़े, तो भारत में भी बढ़े। और अगर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को यह समझ में नहीं आता है, और अजान के अर्थ से लेकर नवरात्र से लेकर पेट्रोल का अर्थ समझ में नहीं आता, तो मुझे आपकी हालत के ऊपर हंसी आती है। अब आप तीनों का पिन पॉइंटेड हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। छोटा सा जवाब, फिर मैंने मेहमानों के पास छोटा सा जवाब। अंजना जी, 8 साल से जो सरकार में है वो विपक्ष से सवाल पूछ रहे, हालत देखिए इनकी। अरे 40% कमीशन वालों, अरे जहाँ आपकी सरकार है वहाँ थोड़ी आप विपक्ष में है। और गौरव बल्लभ जी, नहीं नहीं सर, अरे प्रोफेसर साहब, माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय प्रोफेसर साहब, हाँ जी। और अंजना जी, पेट्रोल प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टेट पे जो टैक्स लगाती है वो एड वैलोरम टैक्स लगाती है, अर्थात केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी जो कि 500% डीजल पर और 203% पेट्रोल पे पिछले 8 वर्षों में बढ़ी है, अगर उसको कम कर दे तो स्टेट वैट ऑटोमेटिकली कम हो जाए। आपने 26,51,000 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों से कमाया है। हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार है, अर्थात हर हिंदुस्तान के परिवार से आपने फ्यूल टैक्स के नाम से पिछले 8 साल में 1,00,000 रुपया लूटा है। वो पैसा कहाँ है सुधांशु जी, वो किसकी झोली में जा रहा है? आप पहले मुझे बेटा बोलो, पोता बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं सुधांशु जी। लोगों का एम्प्लॉयमेंट, रोजगार करवाइए, पेट्रोल और डीजल के दाम बंद कम करवाइए, और ये जो 137 दिन जब चुनाव होते हैं, जब आप भाव को रोक देते हो, प्रोफेसर साहब को आज दिल पे लग गई है, आपने जो बोल दिया है प्रोफेसर साहब को आज दिल पे लग गई है। सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा, दुबे जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, दुबे जी वो सीधा बाला साहब ठाकरे पर, नहीं मैं सिर्फ एक भाई, मेरे तीन प्रश्नों का पॉइंटेड जवाब नहीं आया, जवाब सरकार में बैठे हुए लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। जिना जी, आप इनकी हालत, इनको सिंकारा दीजिए, इनको जरूरत है सिंकारा। राजस्थान में भी विपक्ष में ही है क्या? अरे राजस्थान का जवाब दे दिया ना, 503% डीजल पे एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने। दुबे जी वो सीधा ललकार रहे हैं बाला साहब ठाकरे साहब को कोट करके, बाला साहब ठाकरे साहब को कोट करके, उस पर आपका जवाब। हाँ मैं उसी प्यारा हूँ, सत्ता का सोना और अहंकार का धतूरा चबाकर मदमस्त होकर बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे देश में न केंद्र में इनकी सरकार है न राज्यों में इनकी सरकार है। आप जब एनआरसी का कानून ला सकते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण का कोई कानून नहीं ला सकते। एक बार फिर से बोलिए सर, क्या बोला आपने शुरू में, क्या कर रहे हैं ये? केंद्र में इनकी सत्ता है, सत्ता का इनको अहंकार है, उसके चक्कर में पड़ के ये इतने मतलब ये हो गए हैं कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी देश में सरकार है कि नहीं है।
अच्छा, अगर इनकी देश में सरकार है, हाँ। जैसे एनआरसी का कानून लाते हैं, अगर ध्वनि प्रदूषण पे भोंगों के ऊपर कोई कानून लाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हर जगह जाएं, अध्यादेश लाएं, तो सब लोग मानेंगे। अरे कोर्ट का ऑर्डर है बाला साहब, दुबे जी, तो कोर्ट का ऑर्डर है प्रभु, कोर्ट का ऑर्डर है अंजना जी, अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो कौन उसको नहीं मान रहा है? मैं आपसे पूछता, ये नहीं लागू कर रहे हैं राज्यों में, नहीं लागू कर रहा है कौन? लागू नहीं कर रहा है? महाराष्ट्र सरकार नहीं लागू कर रही है, महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, वलसे पाटिल जी ने ऑलरेडी आदेश दे दिए हैं कि जहां जहां जो डिसमिल बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए, उसकी जांच की जाए। अब इससे ज्यादा क्या चाहती हैं आप? ये कब कब किया है उन्होंने? ये उन्होंने अभी आप ही के शो पर आदरणीय संजय राउत साहब से जब आपने सवाल पूछा था, तो संजय राउत जी का कहना है कि, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का आपको पता है फैसला कब का आया हुआ है सर? बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बहुत पहले से आया हुआ है, यही तो बीजेपी भी कर्नाटक में चमका रही है। फैसले पुराने हैं कोर्ट के, जब जब चुनाव आता है ना तो ये टाइमिंग पर इस समय चमकाते हैं। और अंजना जी सबसे महत्वपूर्ण, सुनिए मेरी बात, सुनिए दुबे जी मेरी बात तो सुनिए, दुबे जी मेरी बात तो सुनिए, अगर महाराष्ट्र में एनफोर्स रहता तो राज ठाकरे को ये बी टीम सी टीम बनने का मौका नहीं मिलता ना। आप अपनी ही बात को काट रहे हैं, वो क्यों बी टीम बन के? पिछले सप्ताह में उन्होंने कहा ना कि मैं जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा मस्जिदों के सामने, अगर आप एनफोर्स करेंगे चाहिए तो मौका क्यों मिले, लॉ क्यों ना एनफोर्स? जहां जहां अंजना जी, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और भी जगह है, क्या वहां पर ये भोंगे का इशू है? नहीं है। यह इशू कहां है? जहां चुनाव आने वाले हैं, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 2-3 महीने बाद होने वाला है, तो अब उसके लिए बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है, ठीक है, रहमानी है तो खुद नहीं कह पा रही है, ठीक है। छोटा छोटा कमेंट सबसे लेते, वक्त खत्म हो रहा है, रहमानी साहब छोटा छोटा कमेंट जल्दी से। नहीं, मैं बहुत ही मुख्तसर ये कहूंगा कि ये जो सुधांशु जी ने तो साफ कह दिया कि उनको आवाज में नॉइस पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं, अजान के कंटेंट की वजह से प्रॉब्लम है, उनको नमाज से भी प्रॉब्लम है। उन्होंने सवाल गौरव बल्ला दोनों चीज से प्रॉब्लम है, क्या उनको नमाज से प्रॉब्लम नहीं है? मतलब इनको एज सच इनको इस्लाम मुसलमान से प्रॉब्लम है, इनको उससे इनको इनको प्रॉब्लम, और करिए वही रहे जो कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस के नक्शे कदम पे 100% चल रहे हैं, इतना है कि वो कभी मुसलमान का झुंझुना बजाते थे, ये हिंदुओं का झुंझुना ज्यादा बचाते हैं, ठीक है। कादरी साहब छोटा छोटा कर, उससे कम कर रहे हैं कांग्रेस। कादरी साहब, मैडम आपके माध्यम से सुधांशु से सवाल करूंगा, बोलिए, आखिर ये नफरत की राजनीति कब तक चलाएं? आपको तो जो है मुसलसिल, आप जो है सत्ता में हुकूमत में, और यूपी में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 8% मुसलमानों के वोट मिले, तो क्यों नहीं आप जो है इस तरफ आने की बजाय और खाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं?